परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म समृत साई कबीर देव कबीर साहब कबीर अग्नि कबीर अमितोदा ये वो परमेश्वर है जिसने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की, जो पूर्ण मोक्षदायक है, जो पाप नाशक है। ये परमात्मा वो पूर्ण ब्रह्म अपनी महिमा बताने के लिए, यथार्थ ज्ञान देने के लिए स्वयं ही इस काल के लोक में आते हैं। और इस काल भगवान ने अर्थात काल रूपी ब्रह्म ज्योति निरंजन ने सर्व प्राणियों को मिसगाइड किया हुआ होता है, अपने नकली दूत भेजकर, अपने संदेश वाहक भेजकर, संत भेजकर, वो नकली संत बनाकर पूरे मार्ग पूरे समाज को मानव समाज को शास्त्र विरुद्ध साधना के ऊपर आरूढ़ किया हुआ होता है। उसमें परमेश्वर आते हैं, परमात्मा की स्थिति को पुनः स्थापित करते हैं। वो परमात्मा कबीर देव है, कबीर साहब है, जो बनारस में जुलाहे की भूमिका करके और एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करके अपनी समर्थता का प्रमाण दे करके वो परमात्मा सहशरीर आए थे, सहशरीर चले गए। क्योंकि ये परमात्मा है जो कभी मां से जन्म नहीं लेते, क्योंकि सभी प्राणियों के निर्माता जन्मदाता यही है। पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं, वो है ताका नाम कबीर। वो कबीर परमात्मा है, ना मां से पैदा हुआ, ना सतगुरु जननी जने जाके माने बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है, नावा तीनू ताप। गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि ना सतगुरु जननी जने, कबीर परमात्मा मां से जन्म नहीं हुआ उनका, उनके माने बाप और पिंड ब्रह्मंड से रहित है, वो बाहर है, पिंड और ब्रह्मंड से पार सतलोक में रहता है, जहां ना तीनों ताप, जहां पर ये तीन ताप भी नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। परमेश्वर कबीर जी ने आकर के अपनी महिमा आप ही बताई, यथार्थ ज्ञान से परिचित करवाया और परमात्मा परमेश्वर जो लाभ साधक को देता है, वो साधक को लाभ परमेश्वर कबीर देव ने 600 वर्ष पहले अपनी हाजिरी में, अपनी उपस्थिति में वो सब करके दिखाया। उसी परमेश्वर कबीर जी की कृपा से आज वर्तमान में उन्हीं की शक्ति से, वही जो परमात्मा लाभ देता अपने साधक को, आज भी वो प्रभु अपनी प्यारी संगत को दे रहा है। क्योंकि परमात्मा के गुण, परमात्मा की समर्थता में कहीं कभी परिवर्तन नहीं होता, ये कंस्टेंट रहती है, ये समांतर रहती है, ये कभी नहीं बदलती। लेकिन उस परमात्मा से लाभ लेने की विधि हमें प्राप्त न होने से हम शास्त्र विरुद्ध साधना करने लगे, और शास्त्र विरुद्ध साधना करने से
हम ईश्वरीय लाभ से वंचित रहे, जिस कारण से हम जो लाभ हमने परमात्मा से लेने की इच्छा की थी वो उन संतों साधकों के द्वारा बताए गए मार्ग से हमें नहीं मिला। फिर हमने वही लाभ जैसे धन प्राप्ति, ऐश्वर्य के साधन, हमने चोरी ठगी मिलावट रिश्वत खोरी से चाहा। ये हमारा तरीका गलत था, अनुचित तरीका, अनुचित विधि है ये, जिस कारण से लाभ तो दूर रहा, पाप अक्सीड हो गए, पाप बढ़ गए, और उन पापों का परिणाम ये मिला है कि अब हम किसी का कोड लाग रहा है, किसी की टांग कट गई, किसी की आंख फूट गई, किसी को कैंसर है, किसी को और मानसिक परेशानियां हैं। ये हमने और ज्यादा समस्याएं उत्पन्न कर ली। हम परमात्मा सबसे पहले भगवान की पूजा करते हैं, इसलिए करते हैं कि परमात्मा के गुणों में लिखा है कि वो कष्ट निवारण करता है, दुखी प्राणी को सुखी करता है, निर्धन को धनवान बनाता है, कोढ़ी को स्वस्थ काया देता है, शरीर देता है। किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति क्यों ना हो, परमात्मा उसको दूर करता है। ये उसके उसका विधान है और सत्य है। लेकिन हमें इसका लाभ ना मिलना, ये उन मार्गदर्शकों की कमी है जो गुरु और महर्षि की पद पर विराजमान रहे और जिनको परमात्मा के विषय में कोई ज्ञान नहीं था। अपुण्यात्माओं, वर्तमान में सब शिक्षित समाज है। यदि ये ज्ञान आज से 50 वर्ष पहले प्रारंभ होता तो अभी हम फेल हो जाते, क्योंकि परमात्मा स्वयं आए थे आज से 600 वर्ष पहले और 120 वर्ष यहां रह कर गए, यानी लगभग 450 वर्ष पहले तक परमात्मा ने अपना ज्ञान प्रचार किया। लेकिन उन पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म समर्थ शक्ति को भी इन नकली गुरुओं और इनके स्वार्थी अनुयायियों ने उस भगवान के ज्ञान को जनता तक नहीं जाने दिया, यथार्थ ज्ञान को जो आज आपके पास पहुंच रहा है, उस समृद्ध शक्ति को भी उन्होंने फेल कर दिया। अब ये शब्द ऑकवर्ड सा लगता है मुझ दास को कि उस समृद्ध शक्ति को फेल तो नहीं कर सकते थे, नहीं कर सके, लेकिन शिक्षित समाज ना होने के कारण वो प्यारी आत्माएं उस लाभ से वंचित रह गई। और उन अज्ञानियों ने यह समझ लिया कि हम सफल हो गए, कबीर जी को आगे ना बढ़ने से, क्योंकि जितने भी शिष्य थे परमात्मा के 64 लाख शिष्य हुए थे और वो 64 लाख शिष्य ज्ञान से नहीं थे, क्योंकि परमात्मा ज्ञान कहते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी अविनाशी नहीं है, ये जन्म मृत्यु होता है और ये नाशवान है, इनकी माता दुर्गा है और पिता ये काल है, ज्योति निरंजन है। अन्य जो अज्ञानी ऋषि महर्षि ब्राह्मण जो गुरु पद पर होते हैं वो ब्राह्मण, वो कहते थे कि कबीर अशिक्षित है, ये संस्कृत भाषा नहीं जानता, इसलिए ये झूठ बोल रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है। अब उन्होंने इस पॉइंट से फेल कर दिया भगवान को, उस बोली जनता के सामने कि कबीर जी अशिक्षित अनपढ़ हैं और ये संस्कृत भाषा नहीं जानते, इसलिए ये वेदों और गीता और पुराणों को कैसे समझ सकते हैं। हमारे पूर्वजों ने ये बात
माननी पड़ी कि कबीर जी अशिक्षित हैं। और सभी सदग्रंथ 18 पुराण उपनिष्ठ चाहे पवित्र चारों वेद पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी ये सभी संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध थी और परमात्मा वो संस्कृत भाषा में लिखे हुए ज्ञान को सिंपल लैंग्वेज में साधारण तौर पर बताते थे और कहते थे कि वो ये नाशवान है अविनाशी नहीं है ये समृद्ध शक्ति नहीं है। अपुण्यात्मा इस दृष्टिकोण से उन्होंने मालिक को फेल करने की चेष्टा की उन्होंने अपनी तरफ से तो फेल कर दिया लेकिन वो सफल होकर गए थे प्रभु। यदि उस समय परमात्मा ये अमृतवाणी ये नहीं ज्ञान देकर जाते कबीर सागर वाली कबीर साखियां कबीर बीजक और कबीर दोहाली शब्दावली आती जो परमात्मा की अमर वाणी है तो आज हम प्रभु को पहचान नहीं सकते थे क्योंकि जो परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ज्ञान बोला था कि पुराणों में वेदों में ऐसा लिखा है आज हमें वो सब वेदों और गीता और पुराणों में विद्यमान मिला। इससे आत्मा को 100% विश्वास हो गया 100% विश्वास हो गया कि कबीर इज गॉड वो पूर्ण ब्रह्म कबीर परमात्मा भगवान है पूर्ण ब्रह्म है। जब उसको अशिक्षित कहने वाले लोग और स्वयं अपने आप को विद्वान कहलाने वालों ने गीता और वेदों को नहीं जाना और उस परमेश्वर ने जाना और उसी समय बताया। अब उसके लिए थोड़ा सा प्रमाण देना पड़ेगा। पुण्यात्माओं प्रत्येक सत्संग में और प्रत्येक बार नए प्राणी आते हैं बहुत से नए प्राणी आते हैं और जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारी होते हैं क्योंकि हम भी पहले ऐसे ही पूजाएं करते थे तो उन व्यक्तियों को ये बात खटकेगी कि ये कैसे हो सकता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है हमने कभी देखा ना सुना ना पढ़ा। तो उनको अब वही पवित्र पुराण पढ़ाए जाएंगे ताकि वह विश्वास कर सके अपने परम पिता पर। अब देखिएगा पवित्र श्रीमद देवी भागवत यानी देवी पुराण यह है श्रीमद देवी भागवत यानी देवी पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। ये कहां से प्रकाशित है और मुद्रित है प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके तीसरे स्कंद में 123 पृष्ठ पर है। ये 123 पृष्ठ तीसरा स्कंद। अब यहां भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की महिमा सुना रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो यह सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर विष्णु जी कह रहे हैं मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और त्रोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है हम अविनाशी नहीं हैं। केवल तुम ही नित्य हो जगत जननी हो प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले यदि देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्हीं से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुण लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो।
नीचे लिखा इस संसार की सृष्टि सतिथि और सहार में तुम्हारे गुण सदा समृत है। उन्हीं तीनों गुणों